इस वीडियो के अंदर बात करेंगे लवली इनू के ऊपर। लवली इनू की अगर आप लोग प्राइस को देखेंगे तो लगभग यहाँ पे 50% की ग्रोथ हम लोग को देखने को मिल चुका है। इसके अंदर लगभग 35 की सीरीज तक यहाँ पे आ चुका है, 26 से 39, 42 सीरीज तक यहाँ पे लगभग जंप हुआ था। एंड मार्केट कैप एंड वॉल्यूम को देखेंगे तो 27% इंक्रीज हुआ है। एंड फुल्ली डेलोकेट मार्केट कैप जो है ये अब लगभग यहाँ पे बढ़ चुका है। तो थोड़ा सा जो है पॉजिटिवनेस लवली इनू के अंदर यहाँ पे आ चुका है। तो क्या कुछ न्यूज एंड अपडेट है जिसके ऊपर बात करेंगे, उससे पहले अगर आप लोग इस वीडियो को नहीं देखे थे तो इस वीडियो के अंदर हमने जैसे इनका जो ट्वीट आया था बिग न्यूज जिसके ऊपर हमने अपडेट दिया था, एंड वो उस वीडियो के अंदर हमने बात किया था कि थोड़ा सा जो है आप लोग यहां से रिस्क ले सकते हैं क्योंकि 1 मंथ की पीरियड है। एंड यहां पे अगर आप लोग देखेंगे तो 22,795 की रैंक के ऊपर अभी के टाइम पे लवली इनू यहां पे आ चुका है। एंड 31 से अबव जो लोग है यहां पे वॉच लिस्ट के अंदर इसको रख रखे। तो अभी चलिए हम लोग यहां पे क्या न्यूज एंड अपडेट के ऊपर चलते हैं एंड यहां पे थोड़ा सा समझ की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे हमने बताया था एंड ये जैसे न्यूज आया था हमने आप लोग को वीडियो दिया था क्योंकि इनका जो है लगभग यहाँ पे 3-5 एक्सचेंज के अंदर लिस्टिंग होने वाला है, प्लस यहाँ पे बायबैक भी ये लोग करने वाले। नेक्स्ट अगर न्यूज की बात करें, इनका अभी जो है सुपर लीग के अंदर जो है इनका प्रमोशन चल रहा है, मतलब इस जो लीग चल रहा है उसके अंदर जो है इनके एडवर्टाइज जो है अभी के टाइम पे चल रहा है। तो वो थोड़ा जो है इसके अंदर थोड़ा सा अट्रैक्टिव लोगों की यहाँ पे आ रहा है। एंड यहाँ पे अगर 14 से वो एक जो ट्वीट है जिसके अंदर देखेंगे तो यहाँ पे तुर्की के अंदर जो है इसको जो है थोड़ा सा हाइप मिल रहा है एंड 3 नंबर रैंक के ऊपर जो है इस एक्सचेंज के अंदर यहाँ पे ट्रेडिंग जो है लवली इनू यहाँ पे हो रहा है। तो लवली इनू फॉर्मो तो बहुत ही अच्छा इन्होंने क्रिएट किया था जब पहले यहाँ पे बायबिट एंड जो हुबई के अंदर यहाँ पे लिस्टिंग की बात हो रहा था, लेकिन थोड़ा सा ट्रस्ट जो है लोगों की यहाँ पे खोया था, लेकिन अभी थोड़ा सा जो है इसके अंदर पॉजिटिवनेस हम लोग को देखने को मिल रहा है। एंड लवली इनू फाइनेंस की तरफ से जो है 16 हर्ष से वो यहाँ पे ट्वीट आया है, डी डी फॉस्टेन योर सीट बेल्ट। तो मतलब यहाँ पे जो है जो पंप किया गया है लगभग 45 सेंट तक यहाँ पे अगर देखेंगे तो 45 की सीरीज तक जो है लगभग यहाँ पे पंप हुआ है। अगर देखेंगे तो 43 तक जो है यहाँ पे हाई लगाया है, तो बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पे पंप हुआ है। तो लवली इनू की यहाँ पे जो है प्रमोशन इनकी लीग जो चल रहा है फुटबॉल लीग जिसके ऊपर यहाँ पे इनकी चल रहा है, प्लस आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो इनका जो है न्यूयॉर्क सिटी के अंदर यहाँ पे आर भी चल रहा है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा हाइप तो इसके अंदर बन सकता है। एंड अगर आप लोगों ने एंट्री पहले से ले लिया है बहुत ऊपर लिया है तो थोड़ा सा अभी के टाइम पे आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। एंड मैं आप लोगों को फ्रेंड बता दूं तो लवली इनू के अंदर जो है बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट किया जा सकता है अगर आप लोग थोड़ा सा माइंड लगा के इसके अंदर ट्रेडिंग करेंगे। एंड अगर आप लोग इसको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे होल्डिंग की प्रपोज यहाँ पे देख रहे तो लवली इनू जो है होल्डिंग नहीं, इसके अंदर जो है ट्रेडिंग करके आप लोग एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये लगभग बढ़िया सा यहाँ पे वॉल्यूम इन लोगों के अंदर यहाँ पे इन्होंने लेके आया, शायद इनकी टीम की तरफ से थोड़ा सा बायबैक जो है किया गया जैसा हम लोग को यहाँ पे लग रहा है। अगर आप लोग देखेंगे तो काल की डेट यहाँ पे जो है 26-27 की सीरीज यहाँ पे चल रहा था एंड यहाँ से लगभग अगर आप लोग देखेंगे तो 50% से अबव जो है लगभग एमएक्सी ग्लोबल के ऊपर यहाँ पे जंप हुआ है। तो थोड़ा सा डाउन आया है, लेकिन अभी अगर आप लोग एंट्री नहीं लिया है तो थोड़ा सा एंट्री जरूर लीजिएगा एंड इसके अंदर जरूर आप लोग को थोड़ा सा प्रॉफिट भी होने की चांसेस यहाँ पे बन रहा है। तो लगभग अगर आप लोगों ने एंट्री नहीं लिया तो अभी के टाइम पे 30 की सीरीज के अंदर एक एंट्री जोन आप लोग देख सकते हैं एंड नेक्स्ट एंट्री जोन जो है आप लोग यहाँ पे 26 एंड थर्ड एंट्री जोन जो है लगभग 17 की सीरीज तक आप लोग जो है ये 3 जोन यहाँ पे देख सकते हैं। एंड 1 मंथ अगर आप लोग यहाँ पे होल्ड करते हैं तो लगभग यहाँ पे 10x to 20x तक आप लोग को गेन हो सकता है, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, अपना रिसर्च जरूर कीजिएगा एंड यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने से पहले। तो थोड़ा सा अगर आप लोग इसको बाय करता हुआ चलेंगे क्योंकि यहाँ पे जैसे ये लोग बायबैक करेंगे एंड इसके अंदर हाइप आएगा तो लगभग यहाँ पे 2x तक यहाँ पे पंप तो हो ही जाएगा, क्योंकि देखिए काल के दिन अगर आप लोग देखेंगे 50% की पंप हुआ है, तो 50% यहाँ से अगर पंप हुआ तो यहाँ पे 100% पंप होना कोई बड़ी बात नहीं है। एंड यहाँ पे अगर ज्यादा से ज्यादा 1 लाख डॉलर के अंदर यहाँ पे ट्रेडिंग भी कोई करता है तब भी यहाँ पे इतना पंप आ ही जा सकता है, क्योंकि बहुत ही मतलब इसका प्राइस कम है, तो जिसकी वजह से इसके अंदर जो है पंप एंड डंप जो है करना बहुत ही आसान है। ठीक है फ्रेंड, तो ये है थोड़ा टेक्निकल बात। अगर आप लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो थोड़ा अपना रिसर्च कीजिएगा, क्योंकि रिक्स भी उतना है, जिसमें रिवार्ड ज़्यादा मिलता है उसमें जो है रिक्स थोड़ा ज़्यादा भी होता है। तो अपना रिसर्च जरूर कीजिएगा, उसके बाद में आप लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, ये था कुछ न्यूज एंड अपडेट लवली इनू के ऊपर। एंड अगर आप लोगों ने मेरे इस वीडियो को मिस नहीं किया होगा तो लगभग आप लोगों ने 50% प्रॉफिट तो अभी 2 दिन के अंदर आप लोगों ने इंक्रीज कर लिया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर ऐसा वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल के आइकन को क्लिक करके
रखिए, एंड ऐसे ही वीडियो जो है आप लोग को टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। एंड अपना कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर कमेंट कीजिएगा आपने कितना लवली इनको होल्ड किया है एंड आप लोग कितना एक्सपेक्ट जो है इसके अंदर कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।